नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप में और मैं हूं आपके साथ हनी अग्रवाल। मुरादाबाद के लोकप्रिय गरीबों के मसीहा के रूप में जाने वाले मंडल आयुक्त आंजनी सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी एवं आरएसएस के विभाग संचालक ओम प्रकाश शास्त्री, मुरादाबाद में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने वाले एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने भारत माता के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के तत्वधान में आयोजित नववर्ष स्वागत समारोह के अवसर पर उपस्थिति सादगी और सरलता के धनी बाबा सत्य नारायण मौर्य बिना किसी भूमिका के गीत गाते हुए मंच पर चढ़कर कैनवास पर स्वामी विवेक आनंद का चित्र बनाकर बाबा ने कार्यक्रम का आगाज किया। राष्ट्रचिंतक, देशभक्त व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक व चित्रकार बाबा सत्य नारायण मौर्य ने पंचायत भवन में देशभक्ति, संस्कृति एवं अध्यात्म के लिए युवाओं को चेताया और मंच से गीत गाते बाबा मौर्य ने देशभक्ति रामायण की चौपाइयों के साथ मात्र कुछ ही सेकंडों में ही मंच पर लगे कैनवास पर अपनी तुलिका से चित्र को उकेरा, जिसे देख दर्शक अभिभूत हो गए। इन प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियां जमकर बजाई। युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि संघ के प्रचारक और संत अपना पूरा जीवन समाज को अर्पण करते हैं। यदि हिंदू युवा अपने समय का 2 घंटे प्रतिदिन समाज और राष्ट्र के लिए अर्पित करें तो उनका अपना जीवन समर्पित करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो वहीं देशभक्ति के गीतों पर जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इन जैसे गीतों पर सारा सदन झूम उठा। उन्होंने रामायण की चौपाइयां और फिल्मी गीत भी गाए। भारतीय नववर्ष के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्व का वैज्ञानिक कालगणना केवल भारतीयों द्वारा ही, भारत के कैलेंडर के द्वारा ही संभव है। उन्होंने कहा कि विश्व का कोई कैलेंडर नहीं बता सकता कि किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन में चंद्र ग्रहण होगा। अंग्रेजी कैलेंडर पहले 10 महीने होते थे, दिसंबर 10वां व नवंबर 9वें महीने का नाम है। भारतीय कैलेंडरों को देखकर उनको समझ में आया कि काल गणना 12 महीने के द्वारा ही की जा सकती है। तब उन्होंने अपने कैलेंडर में 2 महीने और जोड़े। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति से लोगों ने सीखा है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को रात को 12 बजे नववर्ष मनाया जाता है, जिस समय भारत में प्रातः 6 बजते हैं और सूर्य उदय होता है। उसी समय इंग्लैंड में रात को 12 बजते हैं। वह भारतीय सूर्योदय के समय ही अपना नववर्ष मनाते हैं। अंग्रेजी शब्दावली के साथ सभी शब्द हिंदी और संस्कृत के शब्दों से ही मनाए गए हैं। हमारे युवाओं को अपनी संस्कृति पर, अपने ज्ञान पर, अपने बल पर गौरव होना चाहिए। उन्होंने कहा धर्मो रक्षति रक्षिति ही, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम राष्ट्र की रक्षा करो, राष्ट्र आपकी रक्षा करेगा। तुम समाज की रक्षा करो, समाज तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम पुलिस की रक्षा करो, पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी। अंत में उन्होंने वंदे मातरम गाकर कल्लो भारत माँ की आरती गाते हुए बाबा मौर्य ने कैनवास पर भारत माता की चित्र बना दिया। उन्होंने हाथ से व्यंग व वीररस की कविताओं, राष्ट्र गौरव के वृक्षों पर अपने परिवार व्यक्त करते हुए देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम के दौरान बाबा मौर्य ने नागरिकों को कई संकल्प दिलाए। उन्होंने कहा कि सीमर पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, अपने देश के लिए कुछ करना भी देशभक्ति है। यदि हम जाग जाएं तो सीमा पर जवानों को शहीद नहीं होना पड़ेगा। हमें देश के प्रति सच्ची आस्था रखनी चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र प्रगति कर सकेगा। कार्यक्रम का संचालन सतीश अरोड़ा एवं कपिल नारंग ने किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश शास्त्री, वतन कुमार, पवन जैन, योगेंद्र चौहान, विनोद अग्रवाल, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, डॉक्टर विशेष गुप्ता, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, अमित गुप्ता, अजय नारंग, राजेश भारतीय, विशाल ड्रेविड प्रताप गोयल, VSA लोचल, अविश्नी ठाकुर,
आस्तिक वीपीएस लोचक, आश्विनी ठाकुर, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, अजय कट्टा, अमन जैन एडवोकेट, डॉक्टर राज्य कमल गुप्ता आदि महानगर के प्रमुख गणमान्य नागरिकों सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।